हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस अड्डा विद पी सी में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और एक बार मैं फिर से आपके लिए इस लॉकडाउन के समय में आपके लिए एक बार फिर से एक जी एस के लिए यानी कि जनरल साइंस के लिए सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे को अपने फर्स्ट वीडियो में अच्छा प्यार दिया, अच्छा मेरे को सम्मान दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए, जिससे मैं आगे से आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूँ और आपकी हेल्प करने में मैं हमेशा तत्पर रहूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन खाड़िया एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपके सामने एक बार फिर से एक नया सेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगामी जो भी नए वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन ए है अपेंडिक्स, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है मोलर दंत और ऑप्शन डी है सेंट्रियो। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा अवशेषी अंग नहीं है जो एक तरह का अवशेषी अंग नहीं है। तो आपको बताना इसके, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा अपेंडिक्स पार्ट होता है, सॉरी डियर फ्रेंड्स, और डायफ्राम पार्ट होता है। यानी कि डायफ्राम एक ऐसा पार्ट है जो वेस्टिजियल पार्ट नहीं होता है, क्योंकि डायफ्राम हमारे जो फेफड़े, हमारे जो लंग्स होते हैं उनके नीचे एक अर्धचंद्राकार पार्ट होता है, एक मांसल पार्ट होता है, जिसको अपन मध्यपट भी कहते हैं। और अपने को जब भी अपन श्वास लेते हैं उस दौरान डायफ्राम में जो संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है, जिसके दौरान ही हमारा सांस, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास बाहर की तरफ आती है और अंदर की तरफ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपेंडिक्स पार्ट वो पार्ट होता है जो हमारी छोटी आँख से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, कम से कम चार से पाँच मीटर लंबी एक नलिका के रूप में प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, तीसरी बात कहते हैं मोलर दंत हमारे दांतों की एक श्रृंखला का पार्ट है, जिसको अपन और अन्य अगर दूसरे नाम से अपन जानना चाहें तो ये जो पार्ट होता है ये हमारे जबड़ों में पाया जाता है और प्रत्येक जबड़े में ऊपर और नीचे जबड़ों में छः जोड़ी के रूप में पाया जाता है। साथ में ये अपने भोजन को चबाने में सहायक होता है। और एक और अपने इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ये 12 से 15 महीने के बच्चों में ये देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर डिटेल से अपन जाना चाहिए तो जो दांत होते हैं तो दांत विशेषकर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, एक होता है कर्तनक, दूसरे होता है अग्रचूर्णक और एक होता है चूर्णक दांत और एक होता है रदनक दांत, जिसे अपन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरे इसके बाद में नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप शायद समझ पाए होंगे, तो अपन अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन कहता है कि क्रोमोजोम्स क्या है, गुणसूत्र क्या है। ऑप्शन ए है केवल एक कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, सभी कोशिका में प्रत्येक समय दिखाई देते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए से बने होते हैं। और तीसरा है मानव कोशिकाओं में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन है कि एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा, एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, क्या अपने शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन ए है अंगों में उत्तेजना, ऑप्शन बी है यथार्थ वृद्धि, ऑप्शन सी है उत्प्रेरक प्रकार्य और ऑप्शन डी है विभिन्न अंगों के प्रकारियों का समन्वय। तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो हमारे शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव प्रेजेंट करता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो यथार्थ वृद्धि, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनकी वृद्धि पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं कौन, हमारे शरीर में प्रेजेंट हार्मोन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन है पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए है लंग्स, फेफड़े, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, आंते, ऑप्शन सी किडनी, गुर्दा, ऑप्शन डी जिगर, यकृत या लीवर भी इसे अपन कहते हैं।
ये फ्रेंड तो आपको बताना कि पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो अपने जो लीवर पार्ट होता है अपना हमारा जो हमारा जो जीवर जिगर जिसको अपन यकृत कहते हैं, ये हमारा जो पोलियो में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो अपना जो लीवर होता है जिस लीवर में एक जूस स्रावित हो जाए इसको अपन बाइल जूस या पित्तरस कहते हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे शरीर की सबसे आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी कौन है, लीवर है, यकृत ग्रंथि है, ठीक है। गुर्दे की बात करें तो गुर्दा हमारे शरीर जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे मूत्र सिक्रेशन वगैरह, इसके अलावा और भी वेस्ट पार्टिकल्स वेस्ट जो मटेरियल होता है उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, गुर्दा करता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन की बात करें तो आते हमारे शरीर में विशेषकर दो प्रकार की, छोटी आंत होती है देखो, एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत होती है वो जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भोजन का सबसे अधिक अवशोषण और पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद में जो बचा कुचा रह जाता है वो जाके कहाँ पर जाता है, बड़ी आंत में जाके पच जाता है, ठीक है। फेफड़ों की अपन बात करें तो फेफड़े हमारे शरीर में दो होते हैं, एक राइट यानी कि फेफड़े दो जोड़ी होती है, एक खोखली मसल संरचना होती है जो हमारे श्वास लेने के दौरान इसमें शिथिलता और संकुचन होता है, इसमें लाखों की संख्या में कहने का मतलब समथिंग वो 30 बिलियन के समथिंग इसके अंदर मसल पेशियाँ पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन अपन पांचवे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना पांचवा क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है हार्ट, हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता रहा है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका अपन राइट आंसर की बात करें तो डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा अपने सामने ऑप्शन सी, जिसको अपन लीवर या यकृत कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है। ओके फ्रेंड, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे का जिसका अगर साइंटिफिक नेम की अपन बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम होता है कुरकुमा लोंगा इसका साइंटिफिक नेम होता है हल्दी का। और जो एक ये हल्दी एक ऐसा पौधा होता है जो विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, यूजफुल है। तो इसकी राइट आंसर की इसका पहला ऑप्शन है जड़ रूट, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी फ्रूट या फल और ऑप्शन डी कंद। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकंद होता है। यानी कि हल्दी के पौधे का जो प्रकंद पार्ट होता है, यानी कि उसका जो बीज का मध्य भाग होता है, जो मध्य रसीला पार्ट होता है वो हमारे खाने योग्य भाग होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट अपन सातवें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सातवें क्वेश्चन कहता है किसकी पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी कि आपको बताना कि पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए है विटामिन की, ऑप्शन बी है आयरन की, ऑप्शन सी खनिज की और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड्स, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरन, यानी कि जो पालक की पत्तियाँ होती हैं पालक की पत्तियों में सबसे ज़्यादा आयरन की कमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी का अगर इंसुलिन वगैरह की मधुमेह की कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा पालक की है यानी कि पालक की हरी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए, जिसमें प्रचुर मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है। ओके, इसके बाद में अपन थोड़ा सा अगर जाने तो विटामिन के बारे में जानते तो आज से यानी कि समथिंग 1911 में यानी कि 1911 में एक वैज्ञानिक हुए थे फंक, जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। और ये एक प्रकार का ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि और रोकथाम के लिए रोगों की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये भी अगर जाने की और अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए सहायक होते हैं। विटामिन्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो दो होते हैं, एक विटामिन बी होता है और एक विटामिन सी। विटामिन बी और सी किसमें होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और विटामिन ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर इनके नाम की अपन बात करें तो विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनोल, विटामिन बी को थायमोल कहा जाता है, फिर थायमिन कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। ओके, अगर जन तक जो विटामिन B12 होता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, वह सूत्र जो ट्रिटिकेल्स में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सूत्र है, कौन सा ऐसा जो ट्रिटिकेल्स में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है n इंटू 6.25, बी ऑप्शन है n इंटू 5.70, ऑप्शन सी है n इंटू 5.76 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ट्रिटिकेल्स में प्रोटीन प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जो है n इंटू 5.76। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो डियर फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी विषैली गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है मैथेन, ऑप्शन सी है मैथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी है मैथिल आइसोब्रोमाइड। तो आपको इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मैथिल आइसोसाइनाइड। जो मैथिल आइसोसाइनाइड है उस गैस का रिसाव होने की वजह से भोपाल गैस त्रासदी इसको नाम दिया गया था और इसमें इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी कि ये कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑप्शन सी प्रोटोनों की वृद्धि होती है, ऑप्शन डी प्रोटोनों की कमी होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे अपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्बन एक है, यानी कि आपको ये बताना है कि कार्बन क्या है, कार्बन एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या तत्व है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा अधातु, यानी कि नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह स्थिति कौन सी है जिसमें गैस आदर्श गैस की ओर अग्रसर होती है। वह स्थिति कौन सी है जिसमें गैस आदर्श गैस की ओर मूव करती है, अग्रसर होती है। तो ऑप्शन ए है ताप की अधिकता व दाब में कमी होने पर, ताप कम दाब अधिक होने पर, सी ऑप्शन है ताप और दाब अधिक होने पर, ऑप्शन डी है ताप और दाब अपरिवर्तन होने पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो आदर्श गैस की ओर अग्रसर होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ताप की अधिकता और दाब में कमी होने पर, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन ए ताप की अधिकता और दाब में कमी होने पर, यानी कि जब भी ताप की अधिकता होगी, चाहे टेम्परेचर मोर देन इंक्रीज होगा और जो प्रेशर है वो जितना तक कम होगा तो वो गैस किसकी ओर मूव जाएगी, आदर्श गैस की ओर अग्रसर होती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में अपना 13th क्वेश्चन है सबसे क्रियाशील है, आपको बताना है सबसे क्रियाशील कौन सा इसमें धातु है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी सल्फर। यानी कि आपको इन बीच बताना है कि सबसे सक्रिय क्रियाशील कौन सा तत्व है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो O2 गैस होती है, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अपन 14th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो एसिड्स के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में क्रिया करता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अम्लों के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन मूव करते हैं अपने 15th नंबर क्वेश्चन की ओर। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु विकास की खोज की थी, परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन। तो इसके राइट आंसर आपको बताना है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो जॉन डाल्टन इसके राइट आंसर है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर से हमेशा चंद्रमा का केवल एक भाग यानी कि पार्श्व के पीछे का हिस्सा ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों, यानी कि ऐसा क्यों ऐसा दिखाई देता है, किस वजह से ऐसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है केवल एक भाग प्रकाश को प्रतिबिंबित या परावर्तित करता है, ऑप्शन बी घूमता नहीं है, ऑप्शन सी घूर्णन और
परिक्रमण की अवधियां बराबर होती हैं और फिर चंद्रमा उप भू ऐसे कह रहे हैं, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घूर्णन और परिक्रमण की अवधियां बराबर होती है। कहने का मतलब पृथ्वी पर से हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का जो पार्श्व पीछे का हिस्सा देता है वो इसीलिए दिखाई देता है कि जो उसकी घूर्णन की, उसके घूमने को, उसके चारों ओर चक्कर लगाने की जो अवधियां है वो दोनों क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। और इसीलिए जो चंद्रमा है उसका हमेशा हमेशा हमें जब भी हम उसको आसमान में देखते हैं तो उसका सामने का उसका जो पार्श्व भाग हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन वो कहते हैं 17th नंबर क्वेश्चन की, जब पानी गर्म करके 0°C से 10°C तक कर दिया जाता है तब पानी का आयतन, यानी कि उसके पानी के आयतन पर क्या इफेक्ट होता है, उसका आयतन घटता है या बढ़ता है या बराबर रहता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके ऑप्शन ए है धीरे धीरे बढ़ता है, ऑप्शन बी है धीरे धीरे घटता है, ऑप्शन सी है पहले घटता है और बाद में घटता है, ऑप्शन डी है पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। एक बार फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ता है, ऑप्शन बी धीरे धीरे घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है बाद में घटता है और ऑप्शन डी पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर का पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। कहेंगे कि जब पानी को अपन गर्म करके 0°C के 10°C कर देते हो तो पानी का आयतन पहले तो घटेगा और घटने के बाद में क्या होता है, बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन चलते हैं अपन 18th नंबर क्वेश्चन की ओर, भाप के कारण बने दाह उबलते पानी के कारण बने दहा से अधिक तेज होती है क्यों। कहने का मतलब जो भाप के कारण जो दहा उत्पन्न होती है उनकी जो अपने को जो जलन महसूस होती है वो पानी के कारण, जो उबलते पानी के कारण उससे दहा तेज होती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है भाप का तापमान अधिक होता है, ऑप्शन बी भाप शरीर के छिद्रों में से तेजी से प्रवेश कर पाती है, ऑप्शन बी भाप गैस होती है और शरीर को तेजी से घेर लेती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी वजह से जो भाप के कारण बने दाह उबलते पानी के कारण बने दाह से अधिक तेज होते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, डीजल से चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन इनमें से किसके लिए, किसके जरिए उत्पन्न किया जाता है। कि आपको बताना है कि जो डीजल से चलाए जाने वाले इंजन है उनमें जो ज्वलन होती है वो किसके जरिए उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए है संपीड़न, ऑप्शन बी है स्पार्क प्लग, ऑप्शन सी है घर्षण और ऑप्शन डी स्वचालित स्टार्टर। तो आपको इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा संपीड़न। कहने का मतलब उसके उसमें जो संपीड़न की प्रक्रिया होती है उस वजह से, कहने का जो जब भी अपन उसको उसके स्टार्टर को रोटेट करते हैं तो उसमें जो संपीड़न की क्रिया होगी उसकी वजह से ही उसमें क्या होगा, ज्वलन उत्पन्न होता है। और अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विद्युत हीटर का फिलामेंट निम्नलिखित में किसका बना होता है। ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं जो नाइक्रोम का तार होता है उसका फिलामेंट बना होता है, जो विद्युत हीटर का फिलामेंट होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से संतुष्ट हो पाए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे एक ही छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आप जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक बटन के साथ में बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। थैंक्स फॉर